हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम आज की इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करके आपको दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। और अगर आपको पूरा वीडियो वॉच करना है मैथमेटिक्स पेपर 1, पेपर 2, एंटायर टॉपिक के ऊपर, सॉल्व एग्जांपल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बोर्ड्स के क्वेश्चन, तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑल टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जा करके वहां से वॉच कर सकते हो। तो अभी मैं जो सीरीज़ बना रहा हूं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ बना रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 5.2 इंटीग्रेशन से। तो एक्सरसाइज 5.2 इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या है। सो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो है इंटीग्रेशन 5.2 सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन मेथड यहाँ पे देखना है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, मैंने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, इफ़ एक्स इक्वल टू फाइ ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। मतलब ना, फाइ ऑफ टी मतलब वो कोई तो एक फंक्शन है टी का, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, फाई ऑफ टी इंटू आएगा, देखो उसका डेरिवेटिव, फाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, फाई डैश टी इंटू डी टी आएगा डी एक्स के प्लेस पे। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझेगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, जब भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हमें वहाँ पे थिंक करना पड़ेगा कि हम दूसरा कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है। तो वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इंटीग्रेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड, देखो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आपने ये मॉड नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने सिर्फ लिखा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी तो भी चलेगा। तो देखो, ये फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी आपको मालूम है एफ डैश एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा। आपको जस्ट लिखना है लॉग ऑफ और जो भी आपको दिया रहेगा डिनोमिनेटर में वो फंक्शन, और प्लस सी लिख देना है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। थर्ड भी सिमिलर है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया है। तो यहाँ पर भी देखो एफ डैश एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जब भी कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और वो डिनोमिनेटर में रहेगा और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है टू टाइम्स जो भी आपका डिनोमिनेटर है दैट एंड प्लस सी लिख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जितना भी देखो मैंने यहाँ पे जो थ्री कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अभी मैं एक्सरसाइज 5.2 के सम्स को सॉल्व करूँगा तो ईजिली आपको समझेगा कि ये कॉन्सेप्ट यानी कि तीनों फॉर्मूले हमें यूज़ कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखो x का फंक्शन दिया है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है और रूट के बाहर x है। तो डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा इंटीग्रेशन का जिसे यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को चेक करेंगे। देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2x आएगा। देखो यहाँ पर उसमें से x है, यानी कि हम क्या करेंगे, रूट के अंदर का जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो u v, बट नॉर्मली हम लोग t लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे, उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजिली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आई विल राइट हियर, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t लेता हूँ,
देखो इंटीग्रेशन में जब भी पुट करेंगे यानी कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो ऑलवेज क्या करना होता है, दोनों भी साइड आपको डिफरेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑलवेज ये ध्यान में रखो आप। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड हम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मालूम है आपको एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एंड राइट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो t वेरिएबल है, तो जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx होता है, वैसे ही t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर dt अपॉन dx हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया आपका देखो 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपको dx निकालना है, तो इधर देखो अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू dt, देखो dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो आपका ये dt, 2x यहाँ पे आकर के देखो डिवाइड हो जाएगा, ये हमें dx का वैल्यू मिला। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो ऑलवेज आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है dx। एक बार dx मिल गया उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करो, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। सो देखो देयरफॉर मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो x है वो वैसे ही रहेगा अंडर रूट, देखो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम किया है, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है, तो हम यहाँ पे t लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो जहाँ पर dx है, dx को आप रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे dx को, dt अपॉन 2x है, तो यहाँ पर लिख दो आप dt डिवाइड बाय 2x, सो सिंपल। x और x कैंसिल कर देना है, आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी मिलेगा, रूट टी का तो डेरिवेटिव हमको पता नहीं है, तो रूट टी को ना हम देखो टी का पावर ऐसे हाफ लिख सकते हैं इनटू यहाँ पर डी टी है, अपॉन में टू है, अपॉन में टू इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, कांस्टेंट है वो, तो 1/2 हो जाएगा ये दिस में, तो आपको क्या मिला देखो यहाँ पर आई इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू हाफ इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से, जैसे कि एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सेम वे टी रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होगा टी रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। तो मैं देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ, ऐसे ही रहेगा आपका टी रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन, तो टी रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन टी रेस टू हाफ प्लस वन डिवाइड बाई हाफ प्लस वन, इंटीग्रेट हो गया, फॉर्मूला यूज कर दिया है, आपको यहाँ पे प्लस सी लिखना कंपलसरी है, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू टी रेस टू हाफ प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3/2 मिल जाएगा, तो लिख दो 3/2 और यहाँ पे देखो डिवाइड बाय हाफ प्लस वन, अगेन यहाँ पर आपको 3/2 मिलने वाला है और ये देखो प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू टी रेस टू 3/2, ये देखो अपॉन में 3/2 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई बाय ये 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/2 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1/3 इंटू टी रेस टू 3/2 दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस सी तो आपको लिखना ही है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज। इंटीग्रेशन मिल गया है लेकिन अब क्या करेंगे, हम टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने टी क्या लिया था, हमने टी को देखो लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब टी के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आंसर फाइनली आएगा 1/3, टी के प्लेस पे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये होल रेस टू 3/2 तो रहेगा और ये प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिला है हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है फोर्थ सब क्वेश्चन को, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन का निकालने का, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, बट अगर आप डिनोमिनेटर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको दिया है ई रेस टू माइनस एक्स, तो जब भी ऐसे e रेस टू माइनस एक्स यानी कि नेगेटिव पावर रहेगा e का, तो सबसे पहले हम उसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स को आप लिखोगे e रेस टू प्लस एक्स डी एक्स,
तो पावर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करेंगे तो हम उसका इन्वर्स लेते हैं, वन अपॉन हो जाता है। तो ई रेस टू माइनस एक्स हो गया आपका वन अपॉन ई रेस टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखते क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइड बाय, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू वन वन डिवाइड बाई वन इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे लिख दो डी एक्स, दिस इज इक्वल टू बाय रूल ऑफ डिवीजन, ये जो अपॉन में ई रेस टू एक्स है ये न्यूमरेटर के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में ये वन प्लस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो गया x इंटू ई रेस टू एक्स और ये प्लस वन इंटू डी एक्स दिस वे। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन में ना, अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर है अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t, अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव निकालने पे ना एग्जैक्ट मुझे ये मिलेगा, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे, तो इसके प्लेस को मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट, देखो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन, इसे हम टी ले लेते हैं। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स। तो डिफरेंशिएट कर दो, देखो इसे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वन है, दोनों को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन x इंटू ई रेस टू एक्स में डेरिवेटिव u इंटू वी रूल यानी कि मल्टीप्लीकेशन रूल से आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट करके, ये हो जाएगा u इंटू देखो d बाय डी एक्स ऑफ v प्लस आएगा v इंटू आएगा d बाय डी एक्स ऑफ u, और प्लस वन है तो प्लस वन तो कांस्टेंट है, उसके साथ में वेरिएबल एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में टी है तो वो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, सिंपल डिफरेंशिएट किया। यहाँ से आपको डी एक्स निकालना, ध्यान में रखो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है ई रेस टू एक्स होता है, प्लस देखो ये ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, लिख दिया हमने प्लस जीरो को, मीनिंग नहीं है, ये देखो आपका डी टी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू वन, तो दो टर्म है, दोनों भी टर्म में ई रेस टू एक्स देखो कॉमन है, तो मैं यहाँ पे ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा एक्स प्लस देखो वन बचेगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, पूरे का अपॉन वन लेके मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका e रेज टू x ब्रैकेट में x प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से देखो आपको आंसर मिलेगा, आपको डी एक्स इक्वल टू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज e रेज टू x इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वही है e रेज टू x इंटू ब्रैकेट में x प्लस वन इंटू डी एक्स, यानी ये पूरे को रिप्लेस करके मैं उसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, पूरे को रिप्लेस करके आपको dt लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख दो dt डिवाइड बाय x e रेज टू x प्लस वन, तो इसको हमने t अज्यूम किया था, देखो यहाँ पे इसे तो हमने t लिया था, तो उसके प्लेस पे आप t रख दो, ये हो जाएगा अपॉन t दिस वे i इक्वल टू हो गया ये, सो दिस i इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन t इंटू डी टी ऐसे भी लिख सकते, सेम थिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t सेम एज इंटीग्रेशन वन अपॉन t इंटू डी टी। अब तो बहुत आसान हो गया, आपको स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन वाले में आपको वन अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, तो देखो आंसर आ गया आपका log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। सिंपली क्या करना है, t का वैल्यू आपको री सब्स्टिट्यूट करना है, तो t हमने क्या लिया था, हमने t लिया था x e रेस टू x प्लस वन, तो लिख दो x e रेस टू x और ये प्लस वन और ये प्लस c, ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया, आपका जो सम है वो सॉल्व हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर मिला है। देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि क्या हमें करना है, लॉग एक्स दिया है और आपको मालूम है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है, देखो यहाँ पर वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको दिया है वन अपॉन एक्स, यानी कि अगर मैं लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे इजीली इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी,
सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है, दोनों भी साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यू नो 1/x होता है, सो लिख दो यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव होता है dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप dx निकाल लो, dx इक्वल टू हो जाएगा आपका x into dt, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। एक बार हमें dx मिल गया तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वैसे रखो इनटू log x को हमने t अज्यूम किया था, तो log x के प्लेस पे आपको लिख देना है t, ये हो जाएगा t इनटू, अब जहाँ पर dx था देखो यहाँ पे क्वेश्चन में dx को रिप्लेस करके आप लिख दोगे x into dt, ये हो जाएगा x into dt, x x कैंसिल हो गया, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t into dt हो गया दिस वे। अब 1/t का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1/t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी होता है, तो आंसर देखो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग एक्स और ये प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया है। नाउ सी देखो 8th सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x+6/√x2+6x+3 dx, तो ये क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा, दूसरा मेथड भी है हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके कैसे आएगा। देखो x2+6x+3 अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, देखो यहाँ प्रेजेंट है x2 का 2x है, 6x का 6 है और +3 का 0, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला भी यूज़ करके आ जाएगा और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपली क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x2+6x+3 इज इक्वल टू टी, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स दिया है उसे हमने टी अज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x होता है, 6x का 6 होगा, +3 का 0 होगा, नहीं लिखेंगे, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपको पता ही है dt/dx होता है। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैं dx फाइंड आउट कर लूँगा, तो ठीक है इसे अपॉन 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x+6/dx इज इक्वल टू 1 into dt इज dt, आप यहाँ से dx निकाल सकते हो, dx इज इक्वल टू हो जाएगा, या अगर आपने ऐसे ही रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आपको आंसर आ जाएगा। देखो अब हम इंटीग्रेशन I से स्टार्ट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ सी 2x+6 into dx, तो 2x+6 into dx को रिप्लेस कर दो dt से, तो ये हो जाएगा देखो हमारा dt/√x2+6x+3, उसे हमने क्या लिया है, उसे देखो हमने यहाँ पर t लिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम t पुट कर देंगे, ये हो गया आपका t, अब तो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो गया। देखो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ में t है, तो स्क्वायर रूट में t है तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका t^2 हो जाएगा, और देखो ये into dt ऐसे ही रहेगा, t^2 को न्यूमरेटर में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t^-2 into dt, दिस पे हो गया। अब ये x^n के फॉर्म में आ गया, x^n का इंटीग्रेशन आपको पता है x^(n+1)/(n+1+c) होता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका -1 -1/(-1)/(-1)/(+1) और ये देखो प्लस सी हो जाएगा, सो दिस I इज इक्वल t^-(-1)/(+1) यानी कि 1-1 और 1-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हाफ मिल जाएगा, और यहाँ भी देखो आपको हाफ मिल जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू अपॉन में हाफ है ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 into t^2 आएगा, t^2 है तो t^2 को हम स्क्वायर रूट t भी लिख सकते हैं, और ये देखो प्लस सी, ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू 2 times square root t के प्लेस पे क्या लिखना है, t के प्लेस पे आपको लिखना है x^(+6x+3), ये हो जाएगा x^(+6x+3) और ये देखो प्लस सी,
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन हमें क्या दिया है और करके देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें क्वेश्चन दिया है 2x + 6 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट x² + 6x + 3 dx। तो दूसरा जो फॉर्मूला मेथड है, सिंपली क्या करना है, x² + 6x + 3 का डेरिवेटिव निकालो। देखो d/dx(x² + 6x + 3) ये हो जाएगा x² का 2x, 6x का 6 हो जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा। तो देखो इसका जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला है। इसका आंसर देखो डायरेक्ट आएगा, i = 2 times लिखेंगे √, ये जो है लिख दो x² + 6x + 3 और यहाँ पे लिखो प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) / √f(x) (dx) इज इक्वल होता है 2 times √f(x) + c। ये देखो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) / √f(x) (dx) तो 2 times √f(x) + c होता है। तो सेम वे देखो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब x² + 6x + 3 f(x) हो गया और उसका डेरिवेटिव ये f(x) हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया देखो यहाँ पे 2 times √f(x) + c सम सॉल्व हो गया। तो अगर ये मेथड से किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है उससे सॉल्व किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे आपको सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है मैथमेटिक्स पेपर 1 and पेपर 2 ऑल चैप्टर्स के, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में ऑल वीडियोज अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से वॉच कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।